your new music video is coming. How excited are you feeling about it, or something about your background as well? My name is Amna Manjal and I'm 19 years old. I was born and brought up in Delhi. And I recently did a music video with DM Stars India, and the name of the video is Kitne Dur Ho Tum. It's a thematic music video which talks about the journey of the human mind and the soul. It's unconventional, different than the other music videos we see, and I'm really excited. It just released this Friday and I'm extremely happy and looking forward to how it goes and how people like it. You are really well prepared for your career as well. आपने मतलब आदिल हुसैन से acting सीखी, फिर आपने voice over artist से सीखा, और फिर you know सब prepared करना for career. तो क्या करना चाहेंगे? कितना preparation और inspiration क्या था शुरुआत में जो आपने ये career चुना? I was in class 11th जब मैंने श्रीराम थिएटर के साथ एक थिएटर वर्कशॉप किया था एंड मैंने स्टेज शो किया था एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू टेक अप दिस इज माय करियर बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी बीइंग ऑन स्टेज परफॉर्मिंग द क्राफ्ट. फिर मैंने आदिल हुसैन सर के साथ एक्टिंग वर्कशॉप्स की और फिर मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई से 1 ईयर का एक्टिंग डिप्लोमा भी किया. And I think I am in love with this craft and it's never ending. I'll keep working and become better, but acting is life. Both are big names. Adil Hussain, you know, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और नमित कपूर एक्टिंग गुरु माने जाते हैं. दोनों के कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का अनुभव रहा दोनों के यहाँ? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आदिल सर के साथ मैंने 2-3 बार थिएटर वर्कशॉप्स करी है और उनके साथ थिएटर वर्कशॉप्स करके मुझे बहुत नया एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला. एंड वो इतने हम्बल है, इतने बड़े नाम होने के बाद भी इतने हम्बल है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट विद हिम. एंड बीइंग विद हिम इन द वर्कशॉप वॉज एक्सट्रीमली फन एंड अ रिच लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड किशोर सर के साथ मैंने डिप्लोमा किया, अब मैं उनके साथ एक 40 मिनट्स का सोलो एक्टिंग मोनोलॉग भी प्रिपेयर कर रही हूँ. सो आई थिंक दोनों गुरुज मेरे लाइफ में मेरे पिलर्स है एंड आई एम रियली लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ. द म्यूजिक वीडियो वी आर वर्किंग इज पंजाबी मोड, भांगड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का म्यूजिक वीडियो हो और कितना ज्यादा अभी शूट हो चुका है, कहाँ हुआ था उसका एक्सप्लेन दे, क्या कहना चाहेंगे? जो म्यूजिक वीडियो है वो हिंदी म्यूजिक वीडियो है. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज कितने दूर हो तुम. इट वॉज शॉट इन डेली एंड मैं वैसे डेली से हूँ, सो लॉकडाउन में भी मैं डेली में थी एंड आई जस्ट रेड दैट देयर इज एन ऑडिशन कमिंग अप फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड आई वेंट देयर डीएम स्टार्स इंडिया के ऑफिस में इन डेली. आई ऑडिशन फॉर इट, मेरे लुक टेस्ट हुए एंड वर्कशॉप्स एंड ऑल हुई एंड देन फाइनली वी शॉट द वीडियो ऑन 15th ऑफ जनवरी इन दिल्ली. एंड इट वॉज अ 24 आवर्स का इकट्ठा शूट था, सुबह से नाइट एंड अगले दिन सुबह तक. सो इन द पीक विंटर्स ऑफ दिल्ली एंड ऑनेस्टली इट वॉज अ वेरी रिच एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट. एंड नाउ द सॉन्ग इज आउट, गो वॉच इट ऑन डीएम स्टार्स इंडिया का यूट्यूब चैनल. इट्स कॉल्ड कितने दूर हो तुम. सो गो वॉच द सॉन्ग एंड टेल मी हाउ यू लाइक्ड इट. एंड हु वाज द को-स्टार ऑफ द म्यूजिक वीडियो? को-स्टार कौन था, सिंगर कौन था, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए उसके बारे में. जो सॉन्ग है वो कंपोज्ड एंड सैंग बाय मिस्टर अर्श शर्मा है एंड द कास्ट में मेन वाज आई. द सॉन्ग वाज अराउंड मी बिकॉज आई एम प्लेइंग 2 कैरेक्टर्स इन दैट एंड इट्स अ जर्नी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड हाउ वी गो थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ एंड इट आल्सो शोज अस अ बिट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल एंड हाउ एवरीथिंग इज विद इन अस. सो इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग आल्सो इफ यू सी एंड इट वाज जस्ट मी एंड देयर वाज अ भंगड़ा ट्रूप व्हिच एडेड अ लॉट ऑफ फन टू द सॉन्ग बाय डूइंग देयर एक्सट्रीम लवली परफॉर्मेंसेस. सो या दैट्स अबाउट इट. सो यू बिलोंग टू दिल्ली बट दिल्ली डोंट हैव मच स्पेस फॉर द इंडस्ट्री, आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो कितना चैलेंज हो गया, तो वहां पे कितना ज्यादा आपको पहला ब्रेक मिलना मुश्किल था? जो म्यूजिक वीडियो मिला है, यू मस्ट हैव ऑडिशन फॉर सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में बताइए, वो कैसा एक्सपीरियंस था दिल्ली में? हाँ जी, मैंने ऑडिशंस दिए हैं एंड लॉकडाउन की वजह से एवरीथिंग वाज स्लो इन एवरी इंडस्ट्री, सो इन दिस इंडस्ट्री टू. बट लकीली आई वेंट टू डीएम स्टार्स का ऑफिस इन जनवरी. आई गेव द ऑडिशन जिसका मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ा था एंड देन दे लाइक्ड मी, दे कॉल्ड मी फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द ऑडिशन. देन वी हैड वेरियस लुक टेस्ट्स, सो फाइनली आई वाज डिसाइडेड टू प्ले द कैरेक्टर एंड दैट वाज अ लवली मोमेंट फॉर मी. And are you here to make a career in Bollywood in Mumbai, or just you have arrived for certain projects, or what is the future planning as an actress?
No, I want to pursue acting as my full-fledged career, and I'm here. I've shifted my base to Bombay because I feel that Mumbai is the place for Bollywood, and I have future plans to venture into films, good web series, and I would love to be a part of big and good acting projects. And alongside that, I'm working on my craft, I'm working on my dubbing and other things that are required in an actor. Lastly, I want to ask the scenario is, I mean, there are a lot of opportunities coming in. What kind of basically role do you want to play? What kind of directors do you bring to work with? Kind of actors you want to work with? I think whenever an actor looks for a script or wants something, ek question main apne aap se poochti hu, that would I like to play this character and would the audience want to see something like this? I think jab in do sawalon ka jawab yes hoga, to I would choose the script. Any good project which will enrich my experience as an actor will surely do. And if I talk about my dream list, the list is endless. There are many directors and actors I would love to work with. Naming a few would definitely be Karan Johar, Sanjay Leela Bhansali, Rajkumar Hirani. Matlab, these legends, they are just magical on screen. And actors bhi bahut sare hai. My favorite is definitely Adil Hussain sir, because I've learned a lot from him, and Ranbir Kapoor. I feel he's a magnificent actor. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।